हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड आज का वीडियो है हमारा फ्यूस्टूल से रिलेटेड। तो ये है हमारा फ्यूस्टूल जो कि मैंने लिया हुआ है, वी आर मेमोरी कीपर। ये बेस्ट फ्यूस्टूल है एंड ये अमेरिकन क्राफ्ट्स का फ्यूस्टूल है। ये हमें इंडिया में नहीं मिलेगा। एज यू कैन सी देन इसके साथ हमें क्या क्या मिला है, फोटो स्लीव्स, फ्यूज टूल, फ्यूजिंग टिप, कटिंग टिप, रूलर स्टेंसिल एंड टूल स्टैंड। देयर आर 5 आइटम्स। अब हम इसे ओपन करेंगे। ये थोड़ा सा टाइट है, ओपन इट इजीली। Now see what is inside. There is one ruler stencil, and there is a photo sleeves fuse tool. And one fusing tip. अब हम इसे साइड में रख देंगे। बिफोर दैट हम इसमें देखेंगे कि वार्निंग क्या है। इसे हमें चिल्ड्रन से दूर रखना है क्योंकि 14 ईयर्स से कम के हैं और इसको टॉयज की तरह यूज नहीं करना है। इट्स अ फ्यूज टूल एंड हम इसके ऊपर फ्यूजिंग टिप को इंसर्ट करेंगे। It depends on switchboard. Now हम इसको extension board में लगाएंगे। Now it's done. Leave it aside. And इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। इसको गर्म होने में 10 मिनट्स लगते हैं। इसका बेस्ट चार्जर यही है, अदरवाइज आप कोई और चार्जर यूज करेंगे तो ये टूल वर्क नहीं करेगा। नाउ हम एक फोटो स्लीव पेपर लेंगे। अब इस पे हम इसको ट्राई करेंगे। हम एक टैग बनाएंगे, ओके। उसके लिए हमें एक चिपबोर्ड चाहिएगा सो दैट जब हम इस टूल को यूज करें
तो हमारे बोर्ड या पेपर या कोई भी चीज़ नीचे हो तो उस पर मार्क नहीं आए। दे आर टू ऑप्शन, हम इसको बाहर भी रख के फ्यूज टूल को यूज़ कर सकते हैं और इनसाइड जो कटिंग दी हुई है उसके अंदर से भी हम फ्यूज टूल यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम इसको प्रॉपरली अगर स्ट्रेट लाइन से कट कर सकते, फ्यू सील कर सकते हैं तो हम इसको साइड से करेंगे, अगर नहीं कर सकते तो हम इसमें इसे दिया गया है हमारे पास एक ऑप्शन तो वहाँ से करेंगे। और इसके नीचे रबर लगा हुआ है सो देट ये स्लिप नहीं हो। हम इसको इस तरीके से होल्ड करेंगे ताकि इस पर थोड़ा सा प्रेशर आए, इसको ना ज़्यादा ऊपर करेंगे ना ज़्यादा नीचे, और हम इसको सील कर देंगे। ओके, ये थोड़ा सा प्रेशर लेगा एंड इसमें स्मेल आने लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जल गया है, मतलब ये हीट प्रॉपरली हुआ है, ये इंडिकेट करेगा कि ये हीट प्रॉपरली हुआ है। अब इसको हम दूसरी साइड से सील करेंगे। अब इसको हम और ब्यूटीफुल बनाने के लिए कुछ अल्फाबेट स्टिकर्स यूज करेंगे एंड इट्स रेडी। फॉर टैग अब हम इसको ऊपर से पंच करेंगे। एंड देन हम इसमें आईलेट इंसर्ट करके इसको फिक्स करेंगे। एंड अब आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, लाइक कीचेन डाल सकते हो, थ्रेड से इसको टाई कर सकते हो, एनीथिंग यू लाइक, इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं सो देट ये और ज़्यादा अच्छा लगे। इट्स लाइक अ कीचेन।